बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम अपने सबक का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। प्यारे बच्चों, आप मुस्तकबिल के मामार हैं। जब आप पढ़ने लगें, आप क्लास में जाएं, तो सोचें आपने बड़े होके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कामयाब बिजनेसमैन बनना है, आपने एक अच्छा पाकिस्तानी बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा मुसलमान बनना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर अच्छी आदत पैदा करें। कि बीज जो होता है उसे ज़मीन में दबाते हैं, फिर उसे पानी देते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, फिर वो दरख्त बनता है। और एक बड़ा दरख्त जो है वो एक दिन में नहीं बनता, उसके लिए सालों दरकार हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने अच्छी आदतें आज से अपने अंदर डालना शुरू करें, ताकि जब आप बड़े हों तो आप एक आपकी आदत भी आपके साथ बड़ी हो जाएं। तो अच्छी आदतों में सफाई रखना, सच बोलना, दयानतदारी इख्तियार करना, दूसरों की मदद करना, बर्दाश्त करना, एक अच्छा ज़िम्मेदार शहरी बनना बहुत ज़रूरी है। हम अपने सबक की तरफ कहानी पढ़ रहे हैं, आमना और नीली मछली, और उसके मशकी सवालात कर रहे हैं। मुज़क्कर मुअन्नस करेंगे, तो पहले देखते हैं कि मुज़क्कर मुअन्नस कहते किसको हैं। एक इस्तलाह है जो नर जिन्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, मुज़क्कर। हर वो चीज़ जो मर्दाना जिन्स की हामिल हो मुज़क्कर कहलाती है, और इसके लिए आमतौर पर ये वाला निशान इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम अपने घरों में देखें तो आपके वालिद जो हैं वो मुज़क्कर हैं, भाई मुज़क्कर हैं, चचा मामू। तो इसी तरह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो मादा जिन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर वो चीज़ जो मादा जिन्स की हामिल हो मुअन्नस कहलाती है, मसलन और इसके लिए ये वाला निशान इस्तेमाल किया जाता है। जैसे घर में आपकी वालदा हैं, बहन हैं, बेटी घर में होती है, खाला हैं, चची हैं, तो ये सारे रिश्ते जो हैं ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुअन्नस और मुज़क्कर होते हैं। जैसे मुर्गा जो है वो मुज़क्कर है, और इसकी जो मुअन्नस है वो मुर्गी है। तो मुर्गी को जो है वो गैन के बाद छोटी ये लगा देंगे तो वो लिखने में मुर्गी होगी। मेंढक जो है वो मुज़क्कर है, और मेंढक की जो मुअन्नस है वो मेंढकी कहलाती है, और मेंढकी में हम काफ के आगे ये लगा देते हैं, मेंढक और मेंढकी। बिल्ला, बिल्ला जो है वो मुज़क्कर है, और इसकी मुअन्नस जो है वो बिल्ली है। तो बिल्ला अलिफ लिखने में बे लाम बल लाम अलिफ ला बिल्ला, और बे लाम बल लाम ये ली बिल्ली। इस बकरा है, बकरा जो है वो मुज़क्कर है, और बकरी जो है वो मुअन्नस है। पास बतखा है, बतखा जो है वो मुज़क्कर है, और इसकी मुअन्नस जो है वो बतख है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आज का सबक था, उसमें हमारे पास था कि हम मुज़क्कर को मुअन्नस से मिलाएं। तो ये हमारे पास आ गया मुर्गा, मुर्गी, मेंढक, मेंढकी, बिल्ला, बिल्ली, बकरा, बकरी, बतखा और बतख। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खलकनाकुम अज़वाजा, और पैदा किया हमने तुमको जोड़ों की शक्ल में। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ का जोड़ा बनाया है। आपको जानवरों में भी जोड़े मिलेंगे, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को भी जोड़ों की शक्ल में पैदा किया। इसी तरह जो पौधे हैं उनमें भी जोड़े मिलते हैं, हत्ता कि जो हमें वो चीज़ें जो हमें आँख से नज़र नहीं आती, जिनको खुर्दबीनी मखलूक कहते हैं, उनमें भी जोड़े पाए जाते हैं। तो ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। सिर्फ एक अल्लाह ही है जो वाहद है, अकेला है। तो प्यारे, सबक से हमें क्या सबक मिलता है
क्या मैं गौर व फ़िक्र करें अल्लाह की निशानियों में से, अल्लाह को जानने के लिए अल्लाह की किताब को उर्दू के साथ तर्जमे के साथ पढ़ें, ताकि हमें पता चले हम दुनिया में क्यों भेजे गए हैं और अल्लाह पे हमारा ईमान मजबूत हो। पसंद आया होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।